लगातार दो दिनों से जारी बर्फबारी से भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंडे पड़े पर्यटन उद्योग को मानो एक नई ऊर्जा मिल गई है। धर्मशाला नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों में पर्यटन व्यवसायियों के साथ ही दूर दराज से आए पर्यटक भी इस जाती हुई सर्दी के मौसम में हुए हिमपात से खासे रोमांचित दिखे। टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बर्फबारी और बारिश जो हुई है ये काफी अच्छी बारिश हुई है सर, कृषक के लिए भी। नौ तालों से सजे खूबसूरत पहाड़ों के शहर नैनीताल में बर्फ से ढकी चोटियों से बहती सर्द वसंती हवा ने वादियों में जादू सा भर दिया है। वहीं बर्फ से ढके पहाड़ों के अप्रतिम सौंदर्य ने टूरिस्टों का दिल जीत लिया। इस टाइम तो अभी स्नोफॉल हो रही है, अच्छा बढ़िया हो रहा है धीरे धीरे। फायदा तो यही होगा कि टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले टाइम में पानी पुनी की दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही रहेगा। फर्स्ट टाइम आई हूं, बहुत अच्छा लग रहा है और स्नोफॉल भी देखने को मिल रहा है, चारों तरफ एकदम व्हाइट व्हाइट है, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बता नहीं सकते हैं। जय जन्नत में आ गए हैं। हाँ। धरती में जन्नत उतर आई है। पहाड़ी इलाकों में जहां पर्यटकों ने हिमपात का जमकर लुत्फ उठाया, वहीं इस बर्फबारी का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर सीधा प्रभाव पड़ा। बारिश और सर्द हवाओं ने एक बार फिर से सर्दी के लौटने का एहसास करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।